फ्रेंड्स, हर रोज केवल 15 से 20 मिनट दौड़ लगाना यानी रनिंग करना ओवरऑल फिटनेस के लिए फायदेमंद है। चाहे बच्चे हो या बड़े या फिर बूढ़े लोग, हर कोई दौड़ लगा सकता है। दौड़ने से ना केवल दिल, दिमाग, लंग्स, हाइट, ज्वाइंट्स, फैट लॉस, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, साउंड स्लीप और डाइजेशन में फायदा होता है, बल्कि 100 से ज्यादा फायदे आपकी बॉडी को मिलते हैं। लेकिन वही दौड़ गलत तरीके से की जाए तो वो बहुत सी तकलीफ का कारण बन जाती है। दुख की बात तो यह है कि आज के समय में 90% से भी ज्यादा लोग दौड़ गलत ढंग से लगाते हैं, जिसकी वजह से वो दौड़ के फायदे लेने के बजाय जाने अनजाने में अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं रनिंग से आपको नुकसान भी न हो और रनिंग से होने वाले 100 से ज्यादा बेनिफिट्स भी आपकी बॉडी को मिल जाए, तो वीडियो के आखिर में बताए गए दौड़ने का सही तरीका क्या है और करेक्ट रनिंग टेक्निक्स पर बताई गई टिप्स को जरूर जानिएगा, ताकि आप कोई इम्पोर्टेंट चीज मिस ना कर दे। तो रनिंग से मिलने वाले 10 अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स को अब हम एक एक कर जानेंगे। बेनिफिट्स नंबर 10। अक्सर बहुत सारी बीमारियों की वजह होती है फिजिकल एक्टिविटी का आपकी डेली लाइफ में ना हो पाना। रनिंग एक बेहतरीन फिजिकल एक्टिविटी है। रनिंग करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे ज्यादा इंसुलिन की जरूरत आपकी बॉडी को नहीं पड़ती। रनिंग करने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, आपके ब्लड में फैट की मात्रा कम होती है, आपको मोटापे का खतरा कम हो जाता है और डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है। तो अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो रोजाना आपको रनिंग जरूर करनी चाहिए। बेनिफिट्स नंबर 9। जब आप दौड़ लगाते हैं तो आपकी मल्टी मसल्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है और आपकी मसल्स को रिकवरी की ज़रूरत होती है, जिससे रात को आपके लेटने के कुछ टाइम बाद ही नींद आ जाती है। क्योंकि जब आपकी मसल्स और बॉडी थकी हुई होती है तो आपके लेटने के कुछ टाइम बाद ही गहरी और अच्छी नींद आती है, और ये जो नींद आपको आती है वो नेचुरल नींद होती है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी ऑन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, कब किसे हार्ट अटैक आ जाए ये कहा नहीं जा सकता, पर इस स्टडी के अकॉर्डिंग आपकी नेचुरल गहरी और अच्छी नींद हार्ट अटैक का खतरा 20% कम कर देती है। बेनिफिट नंबर 8। दौड़ लगाने से फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ अच्छी होती है। आपका वेट भी बैलेंस में रहता है और एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा बना रहता है। इसके अलावा फील गुड हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो इन सभी चीज़ों की वजह से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपकी सोशल लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बेनिफिट्स नंबर 7। रनिंग करने पर आपके हिप्स और काल्फ मसल एक साथ ट्रेन होते हैं और ग्रो भी होते हैं, इसलिए रनिंग करने पर आपकी कंप्लीट लेग मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और ये स्ट्रोंग बनती है। आपका कोर एरिया भी स्ट्रोंग बनता है और आपके एब्स भी विजिबल होने लगते हैं। इसके अलावा आपका कोर एरिया मजबूत होने से आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी और डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जिससे पेट की बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहते हैं। बेनिफिट्स नंबर 6। जब आप दौड़ लगाते हैं तो इससे आपके दिमाग में फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे दौड़ लगाने के बाद आप पूरे दिन अच्छा महसूस करते हैं और खुशी का एहसास होता रहता है। बहुत से लोग तो सिर्फ दिन भर अच्छा महसूस करने के लिए ही दौड़ लगाते हैं। बेनिफिट्स नंबर 5। दौड़ लगाने से आपकी आँखों की ऑप्टिक नर्व और रेटिना मजबूत होते हैं, इस वजह से उम्र बढ़ने के बाद भी मोतियाबिंद और नज़र कमजोर होने जैसी बीमारियां आपको बहुत कम होती हैं और आपकी आंखों की चमक और रोशनी भी बढ़ती है। बेनिफिट्स नंबर 4। कानों के सुनने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि सुनने का सीधा संबंध ब्लड सर्कुलेशन के साथ होता है और रनिंग करने से सर और कानों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे दौड़ने वाले की सुनने की क्षमता नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बेनिफिट्स नंबर 3। जब एंटीऑक्सीडेंट बनने की प्रोसेस धीमी पड़ जाती है तब हमारी स्किन पर भी झुर्रियाँ पड़ने जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, पर रोजाना रनिंग करने से बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, जिससे न तो हमारी स्किन पर झुर्रियाँ पड़ती हैं और स्किन पर ग्लो भी बढ़ता रहता है, और इससे स्किन की बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच जाते हैं। बेनिफिट्स नंबर 2। जब आप दौड़ लगाते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मफुल हार्मोन्स का प्रोडक्शन लेवल कम होता है, और इन हार्मोन्स के बढ़ने से ओबेसिटी डायबिटीज का खतरा आपको बढ़ जाता है, पर लेकिन रनिंग करने से आप इनसे काफ़ी दूर रहते हैं। बेनिफिट्स नंबर 1।
आज की हेक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से युवा भी स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। जब भी आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का प्रोडक्शन करने लगती है, जिससे आपकी बॉडी को क्वालिटी नींद नसीब नहीं होती। लेकिन अगर आप रोज या हफ्ते में 2-3 बार भी रनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल कम होने लगता है और आपको मिलती है क्वालिटी नींद। तो अगर आप क्वालिटी नींद का मजा लेना चाहते हैं तो रनिंग को अपनी प्रायोरिटी वर्कआउट लिस्ट में शामिल कर लीजिए। रनिंग फॉर्म, करेक्ट टेक्निक एंड टिप्स टू रन। रनिंग करने के बारे में सही जानकारी न होने से अक्सर लोग गलत तरीके से रनिंग करते हैं, जिससे रनिंग के बेनिफिट्स की तो छोड़ो बल्कि कुछ समय बाद उनके लिए तकलीफें पैदा होने लगती है। इसलिए आपको अपनी गलतियों में सुधार जरूर करना चाहिए। फिटनेस मेंटेन के लिए की जाने वाली रनिंग में आपके हाथों का मूवमेंट है वो इस प्रकार का होना चाहिए। आपका सिर भी एकदम सीधे होना चाहिए। हाथ अगर सही पोजीशन में रहते हैं तो एक सही टेक्निक की वजह से आप आसानी से रनिंग कर सकोगे। आपको एक सही मोमेंटम मिलेगा और आपकी रनिंग स्मूथ मैनर में होगी। रनिंग करते समय आपके पैर ना तो पंजों के बल आना चाहिए और ना एड़ी के बल, बल्कि आपका पैर एकदम सीधे इस तरह आना चाहिए। आप अगर बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम रनिंग करने जा रहे हैं या फिर एक लंबे गैप के बाद फिर से रनिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको लगभग 4-5 मिनट स्ट्रेचेस और इसके बाद जॉगिंग जरूर कर लेनी चाहिए। इसके बाद आप चलना शुरू कीजिए, फिर थोड़ा तेज चलिए और फिर धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह से आपकी रनिंग एक प्रॉपर मैनर में होगी। हफ्ते में 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता। शरीर को रिकवर करने के लिए समय भी देना चाहिए। हफ्ते में 3-4 दिन रनिंग करना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है। रनिंग करने से पहले थोड़ा वार्म अप एंड स्ट्रेचेस कर लें ताकि दौड़ने से पहले शरीर की सोई हुई मांसपेशियां पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। दौड़ लगाने के लिए आरामदायक कपड़े और लाइट वेट शूज, एक छोटी पानी की बोतल और तौलिए के अलावा किसी भी महंगे उपकरण की आवश्यकता आपको नहीं है। लाइट वेट शूज जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने में सहायक तो होते ही हैं, साथ ही इस प्रकार के शूज जल्दी थकने से भी आपको बचाते हैं। जब भी आपको नए शूज की जरूरत हो तो ऐसे शूज खरीदें जिनके आगे वाले पार्ट से लचीलापन हो, साथ ही शूज आपके पैरों में थोड़ा सा लूज भी हो। शूज में लचीलापन आपको आगे धकेलने के लिए आपके पैरों के अंगूठे को काफी अच्छा बैलेंस उपलब्ध करवाते हैं। पैरों में थोड़ा सा लूज शूज आपके पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और अननेसेसरी दर्द से भी आपको बचाएगा। रनिंग करते वक्त आपके पूरे शरीर का वर्कआउट होता है। मसल्स को रिकवर करने के लिए अच्छे हेल्थी खाने की जरूरत होती है। रनिंग करने के लिए व्यक्ति को हर रोज कम से कम 2 केले खाना चाहिए। शरीर में एनर्जी प्राप्त करने के लिए केला बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। एक मुट्ठी भीगे चना मूंग का सेवन आप रनिंग करने के बाद जरूर करें। टाइम टू टाइम सुबह शाम और दोपहर का भोजन करें। इसके अलावा आप हार्ड सरफेस रोड जैसे सीमेंट रोड पर दौड़ने से बचें। अगर मौसम बहुत ठंडा हो तो बाहर न दौड़ें। तो फ्रेंड्स, ये थे करेक्ट रनिंग टिप्स जिन्हें आपको फॉलो करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।